नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश DLED यानी कि BTC एडमिशन का रैंक कार्ड जो है जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, देर रात जो है इस रैंक कार्ड को जारी किया गया। आपको हम और कुछ भी बताने वाले इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि अभी इस वीडियो में हम आपको रैंक कार्ड चेक करके दिखाएंगे, एक नहीं दो कैंडिडेट का चेक करके दिखाएंगे और आपको देखेंगे लाइव उसको अभी आप इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें रैंक कार्ड आपको कहाँ पर मिलेगा। दोस्तों ये रैंक कार्ड आपको मिलेगा RozgarResult.com पर। जी हाँ दोस्तों, एक ट्रस्टेबल भरोसेमंद वेबसाइट RozgarResult.com आपको खोलना है और यहाँ पे UP DLED BTC रैंक कार्ड 2021 मिल जाएगा। अभी मैं आपको चेक करके भी दिखाने वाला हूँ। उससे पहले आपको एक वेबसाइट और बता दूँ जिसका नाम है SarkariResult.com। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी गूगल पे सरकारी रिजल्ट लिखना है लास्ट में .com जरूर लगाना है। इस लोगों को पहचान लीजिए, क्योंकि SarkariResult.com नाम से मिलती जुलती बहुत सी नकली और हूबहू वेबसाइट है, उससे सावधान रहिए। असली वाली खोलिए, जो कि सबसे पुरानी वेबसाइट है SarkariResult.com ही खोलिए। तो नीचे आना है, यहाँ पे UP DLED 2021 रैंक कार्ड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पे आपको देख सकते हैं लिंक मिल जाएगा डाउनलोड रैंक कार्ड स्टेट वाइज, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं हम उसी पेज पर जो है आ चुके हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट करना है। कोर्स सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है उस कैप्चा को आपको डाल देना है। मैं इस कैप्चा को डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, तो मैं डालता हूँ और आगे चलता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। अब हम इस लॉगिन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे ही हमने लॉगिन पे क्लिक किया आप देख सकते हैं स्टेट वाइज रैंक जो खुल चुका है। ऊपर आपको कैंडिडेट का बेसिक डिटेल्स जो दिख जाएगा आपका, यानी कि आपका जेंडर है, आपकी कैटेगरी है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, रजिस्ट्रेशन नंबर और ठीक नीचे अगर आप देखेंगे उसी के स्टेट रैंक डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे जो कैंडिडेट की, जिसका मैं इसमें चेक करूँ, इसकी जो रैंक है आपको मिली है 1434356 मिली है। अगर हम वैसे गए तो 1,43,456 और नीचे यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखा है, ताकि इसकी मदद से आप अन्य जानकारी जो है कलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको दूसरे कैंडिडेट का भी चेक करके दिखाता हूँ। सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे, यहाँ पे फिर हम DLED कोर्स का सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चा को वैसे एज इट इज जो है जैसा आ रहा है वैसे ही डाल देंगे, स्मॉल कैपिटल का ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों इसको इंटर करते हैं और आगे चलते हैं। दोस्तों जैसे ही हमने दूसरे कैंडिडेट का डाला आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पे रैंक दिख रही है। और अभी इस वीडियो को बिल्कुल बंद मत कीजिएगा, क्योंकि अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी रह गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आप यहाँ पे रैंक अपनी चेक कर सकते हैं, रैंक के अनुसार ही आपको जो है कॉलेज मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ उसका काउंसलिंग का शेड्यूल भी जो है जारी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, मध्य रात्रि में ही इसका जो रैंक कार्ड जारी किया गया था और इसका जो काउंसलिंग का शेड्यूल भी जो है जारी कर दिया गया। मैं आपको उसकी एक झलक दिखा देता हूँ। दोस्तों ये देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे, काउंसलिंग का शेड्यूल जो है जारी हो चुका है। इसके हिसाब से 22 सितंबर को शाम से काउंसलिंग शुरू होगी, जिसमें पहले राउंड में सिर्फ 30,000 जिनकी रैंक है वो लोग भाग ले सकते हैं और उसका जो सीट आवंटन है वो 25 सितंबर को हो जाएगा। इस तरीके से पूरा शेड्यूल जो है जारी कर दिया गया है। आपको बता दें इसके कॉलेज की लिस्ट, यानी गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट, प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट सभी जो है आपको SarkariResult.com और RozgarResult.com पर उपलब्ध होगी। इसकी जो है कल सवेरे से, यानी कि 23 तारीख को जो है आपको ये सारी जानकारी जो है SarkariResult.com पर उपलब्ध होगी। फिलहाल मैं आपको ये एक्सक्लूसिव दिखा दे रहा हूँ कि इसका जो आपके जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया गया है। आपको कुछ और जानकारी भी दिखा देता हूँ। दोस्तों आपको उसका बता दें इसका जो प्रशिक्षण है यानी ट्रेनिंग है वो 11 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी और जब आपको कोई कॉलेज मिल जाएगा तो उसमें आपको ₹10,000 जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा फीस ऑनलाइन। उसके बाद ही आपका जो अलाटमेंट लेटर है वो जो है निकलेगा। तो यहाँ पे अलग अलग उसकी कैटेगरीज है, जिसकी जानकारी आपको जो है बहुत जल्द SarkariResult.com और RozgarResult.com पर मिल जाएगी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट कीजिए। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।